जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ से सारे पिलर्स रेडी हो चुके हैं यहाँ पर कैप के साथ, दो चार जो अभी लॉन्च करने का बाकी है। तो गाइस आपको दिखा दो, ये सारा जो आप देख रहे हो सामान, ये गटर लॉन्चिंग का ही है। गटर जो बनाने का काम चल रहा है ये पूरा उसी का सामान है पूरा, इसमें गटर्स बनाए जाते हैं और कंप्लीट करके सीधे गटर्स लॉन्च कर दिए जाएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा मेट्रो में जैसे गटर्स लॉन्च किए जाते हैं, वैसे ही जो है बुलेट ट्रेन में भी गटर्स बनाए जाने वाले हैं। तो आपको ये देख, हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है आप सभी के, आई होप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज फाइनली मैं आपको मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का, सूरत में वक्तारा गांव में बुलेट ट्रेन का कितना कंस्ट्रक्शन हुआ है आज आपको ग्राउंड जीरो से अपडेट देने वाला हूँ। तो गाइस फाइनली आपके लिए ग्राउंड जीरो से अपडेट देने के लिए आ चुका हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स करके बोला था कि सोनू पाटिल आप बुलेट ट्रेन की अपडेट क्यों नहीं दे रहे, तो भाई थोड़ा काम में बिजी था इसके लिए बुलेट ट्रेन की अपडेट दे नहीं पा रहा था। तो फाइनली आपसे जो पूरा बुलेट ट्रेन का अपडेट आपके लिए ग्राउंड जीरो से आता रहेगा। तो फाइनली मैं अभी फिलहाल खड़ा हूँ वक्ताना गांव में। वक्ताना गांव से आपको पता ही होगा स्टार्ट में जब आपने वीडियो देखा यहाँ पर कोई भी पिलर्स रेडी नहीं थे, तो अभी फिलहाल फाइनली बहुत सारे पिलर्स रेडी हो चुके हैं। बैक साइड पर आप देख ही पा रहे होंगे सारे के सारे पिलर्स यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। यहाँ से जो है नेशनल हाईवे नंबर 58 तक, जो आगे जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, पूरा यहाँ से 10 या 15 किलोमीटर तक का पूरा पिलर्स जो है ना पूरे रेडी हो चुके हैं। तो गाइज मैं आपको पूरा अपडेट यहाँ से फॉलो करते हुए जाएंगे, नेशनल हाईवे नंबर 58 तक का पूरा अपडेट आज मैं आपको देने वाला हूँ कितने पिलर्स रेडी हो चुके हैं। तो फाइनली बने रहिए मेरे साथ पूरा वीडियो वॉच करना। इससे पहले आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, आपने अगर मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना भाई, नीचे का लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको ग्राउंड जीरो से अपडेट आती रहेगी। तो फिलहाल मैं खड़ा हूँ वक्ताना गांव के पास, यहाँ से फॉलो करते हुए जाएंगे सीधा नेशनल हाईवे नंबर 58 तक। चलो चलते, पूरा कंप्लीट है यहाँ से, तो चलते हैं अंदर। अंदर जाके आपको पूरा बताता हूँ उसका वर्क कितना हुआ है। फाइनली ये वाला जो आप मशीन देख रहे हो ये गटर लॉन्चिंग मशीन है, ये पूरा गटर लॉन्च करेगा यहाँ से। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था तो ये फिलहाल इसका वर्क अभी फिटिंग का काम चल ही रहा है, आप देख पा रहे हैं। मेड इन इंडिया मशीन है गटर लॉन्चिंग का, जो फॉरेन कंट्रीज जैसे जापान चीन अमेरिका यूज़ करते हैं सब मशीन, ये सब मशीन इंडिया भी अभी यूज़ कर रही है। जैसे कि फास्ट काम हुआ गटर लॉन्च करने में, आप मशीन देख रहे हो कम्प्लीट आके पड़ी है। तो ये पूरा वर्क मैं आपको आगे तक का बताने वाला हूँ, अगर आप देख पाए हो बड़ी बड़ी मशीन से यहाँ पर आके पड़ी है। और यहाँ से जो है ना पूरा वर्क बुलेट ट्रेन का कम्प्लीट हो चुका है, मतलब पिलर सारे कंप्लीट है, कैप्स के साथ रेडी है। आपको सामने तक पूरा दूर तक दिखाई दे रहा होगा पूरा का पूरा रेडी है। तो इस पर सिर्फ अभी गटर्स लॉन्च करने का बाकी है। एक जहाँ से स्टार्ट होगा ना फिर पूरा ख़त्म होते होते पूरे, मैं तो बोलता हूँ कि बहुत दूर तक इस पूरे गटर लॉन्च, सामने पूरे के पूरे गटर्स मतलब पिलर सारे रेडी है। तो आपको दिखा दूँ इतना इसका वर्क हुआ है, ये सारे के सारे पिलर्स रेडी हो चुके हैं सूरत के। मैं आपको सूरत का व्यूज दिखा रहा हूँ, पूरे के पूरे पिलर्स रेडी एकदम फर्स्ट क्लास, मतलब यहाँ पर कोई काम नहीं चालू है अभी, यहाँ पर सिर्फ गटर लॉन्चिंग का काम चलेगा, गटर लॉन्च कर दिए जाएंगे पूरे के पूरे। तो फिलहाल यहाँ से रास्ता तो नहीं दिख रहा है, आगे गाड़ी बंद है, चलते घुमा लेते हैं यहाँ से। यहाँ से मैं आपको दिखाते आया हूँ यहाँ तक। तो गाइस यहाँ से चलते इस साइड में, इस साइड में जो है नेशनल हाईवे नंबर 58 जो जाता है वहाँ तक, कि आपको पूरा अपडेट देने वाला हूँ। ये जो है ना पिलर सारे रेडी हो चुके हैं, इसकी कैप ऐप सब रेडी है और इस पर सिर्फ अब गटर्स रखने का काम स्टार्ट हो जाएगा। गटर्स लॉन्चिंग मशीन भी आ चुकी है, काफ़ी दिनों से आई है, उसका भी जो है ना वर्क चालू है, इसको फिटिंग कराया जाएगा, उसके बाद जो है ना उसका वर्क चालू हो जाएगा। तो फिलहाल हम लोग आ चुके ये रोड तक, इससे आगे सामने वाला आप सड़क देख रहे होंगे तो उसको क्रॉस करते हुए जाना पड़ेगा नेशनल हाईवे नंबर 58 तक। तो चलिए, तो भाई जिस साइड से स्टार्ट किया था जिस साइड पे अपन जाना है इस साइड से चलते हैं सीधा, देख पा रहे होंगे एक साइड से चलते हैं पूरा अपडेट देने के लिए। तो फिलहाल देख पा रहे हो यहाँ पर भी पूरे पिलर्स रेडी है, फाइनली पूरे पूरे पिलर्स रेडी। यहाँ पर अभी कोई भी काम नहीं चल रहा है, इनका काम पूरा ख़त्म हो चुका है, अभी पिलर सिर्फ जो है गटर्स लॉन्च किए जाएंगे, जबकि गटर लॉन्चिंग मशीन भी आ चुकी है फाइनली।
और ये जो है पिलर सारे रेडी हो चुके हैं। इसके पहले मैंने आपको एक अपडेट किया था, सूरत में बहुत सारा काम पूरा कम्प्लीट हो चुका है, जब तक कि अभी सिर्फ गटर्स लॉन्च बाकी है। गटर्स भी बहुत सारे बन चुके हो, अभी मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ गटर कहाँ पर लॉन्च बनाए जा रहे हैं, वो भी आपको पूरा वहाँ का कास्टिंग यार्ड दिखाने वाला हूँ सूरत में। जो लास्ट में अपना लास्ट जो अपडेट आएगा वो पूरा वही आएगा, तो आपको पूरा अपडेट वहाँ का दिखा देता हूँ। सारे पिलर्स बन के रेडी हो चुके हैं, यहाँ पर अभी कोई भी काम नहीं चल रहा है, ये पूरा कम्प्लीट है, पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। देख पा रहे होंगे बारिश की वजह से रास्ता पूरा ख़राब हो चुका है, ये पूरे के पूरे पिलर्स रेडी आपको लास्ट तक दिख रहे होंगे, सारे के चारे पिलर्स रेडी है। सारे के सारे पिलर्स रेडी है, बारिश के वजह से यहाँ पर रास्ता नहीं बचा है, अभी पूरा खत्म हो गया है रास्ता, फिलहाल छोटा सा रास्ता है उससे अपनी गाड़ी जा रही है। तो फिलहाल आ चुके हैं अपन रोड पर, क्या अब देख पा रहे हैं यहाँ से भी अपन जाएंगे, रास्ता देख लेते हैं। सारे पिलर्स बनकर तैयारी हो चुके हैं, भाई साहब पूरे पिलर्स रेडी है सूरत में। बुलेट ट्रेन 2026 से दिल्ली मोरा से सूरत तक का पूरा एक ट्रायल रन स्टार्ट होने वाला है 2026 में बताया गया है। यहाँ पर जो है ना गटर्स लॉन्चिंग किए जाएंगे। अपन फाइनली आ चुके हैं नेशनल हाईवे नंबर 53 तक, 58 है शायद, मुझे कन्फर्म पता नहीं है क्योंकि दो बार आया हूँ, याद नहीं रखा है मैंने कौन सा है। तो फाइनली अपन आ चुके हैं और यहाँ से अभी रास्ता देख लेते हैं कि नहीं है, रास्ता नहीं होगा तो भाई घुमा के जाना पड़ेगा, मुझे तो नहीं लग रहा है रास्ता नहीं है, खत्म है रास्ता यहाँ से। तो सामने वाली साइड में नेशनल हाईवे नंबर है, नेशनल हाईवे है, अब यहाँ से रास्ता नहीं है भाई साहब, बंद है। तो गाइस फाइनली कैसे कैसे गाड़ी वहाँ से निकाल ली है, रास्ता तो नहीं था लेकिन खड्डे से निकाल निकाल के बाहर आ गए और फाइनली हम पहुँच चुके हैं नेशनल हाईवे नंबर 53 तक। ये है नेशनल हाईवे नंबर 53 जो कि पलसाना को जोड़ा है, पलसाना को जोड़ता है, यहाँ से सीधा पलसाना जाएगा। तो सामने वाली साइड पर भी जो है ना कास्टिंग यार्ड ही है पूरा, ये मैं आपको बता दूँ कि सामने वाली साइड पर कास्टिंग यार्ड है। सो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ नेशनल हाईवे तक, मैंने आपको वक्ताना गांव से यहाँ तक का पूरा अपडेट दिया है। इसके बाजू में जो है आप देख पा रहे हो सामने वाली साइड पर ये पिलर जा रहे हैं ना, इस साइड पर जो है ना एक कास्टिंग यार्ड है, वो भी मैं आपको बैक साइड से बताने वाला हूँ इसका पूरा अपडेट। यहाँ से अपन जा नहीं सकते लेकिन इधर से पीछे से एक रास्ता है वो पूरा कास्टिंग यार्ड को ही जाता है, और इस साइड से मैं आपको पूरा अपडेट दिखाते आया हूँ यहाँ तक का पूरा अपडेट क्लियर ही है। पूरा पिलर्स का काम कम्प्लीट ही है, खाली गटर्स लॉन्च बाकी है, गटर लॉन्चिंग मशीन भी वहाँ पर आ चुकी है, वो भी उसका काम चल रहा है। और इस साइड में जो कास्टिंग यार्ड है यहाँ पर जो है गटर्स बनाए जा रहे हैं, तो आपको कैसे गटर्स बनाए जा रहे हैं वो आपको पूरा अपडेट यहाँ का देता हूँ। तो चले चलते हैं यहाँ से पीछे वाली साइड पर, वहीं पर वीडियो को एंड भी कर देंगे, आपको पूरा दिखा देंगे कितना इसका वर्क हुआ है, तो चले चलते हैं। सो गाइस फाइनली आप देख पा रहे होंगे ये जो है कास्टिंग यार्ड है यहाँ का, यहाँ पर जो है ना गटर्स बनाए जा रहे हैं, मैं आपको गटर्स भी दिखा रहा हूँ, उधर से जाके गटर्स भी दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर वो सामने की साइड पर आप पिलर देख रहे हो, बीच में से पिलर्स भी गए कम्प्लीट है, यहाँ पर पिलर्स यहाँ पर गटर्स बनाए जा रहे हैं, वो पूरा कास्टिंग यार्ड में आपको यहाँ का बताने वाला हूँ बैक साइड से जाके। आप सामने वाली साइड पर देख रहे हो कितने सारे पिलर्स रेडी है, बहुत सारे पिलर्स रेडी है। तो फिर चलते हैं यहाँ से, आपको गटर्स भी दिखाता हूँ कितने, वो सामने वाली साइड पर गटर्स भी बनाए गए दोनों पिलर्स के बीच में, जो आप गटर्स दिख रहे होंगे आपको। तो ठीक है मैं आपको अंदर जाके ही बताता हूँ कितने गटर्स हैं लॉन्चिंग में। तो वही चले चलते हैं, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ से सारे पिलर्स रेडी हो चुके हैं यहाँ पर कैप के साथ, दो चार जो पिलर्स है वो बाकी है, ये बाकी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो है ना गटर लॉन्चिंग का काम चलता है, वो ज़्यादा ज़रूरी है गटर बनाने गटर लॉन्च का। तो फिर ये गटर्स यहाँ पर बनाए जा रहे, तो आपको पूरा अपडेट यहाँ का दे देता हूँ कैसे गटर्स यहाँ पर बनकर कम्प्लीट हो चुके हैं, वो सिर्फ अभी लॉन्च करने का बाकी है। तो गाइस आपको दिखा दो, ये सारा जो आप देख रहे हो सामान ये गटर लॉन्चिंग का ही है, गटर जो बनाने का काम चल रहा है ये पूरा उसी का सामान है पूरा।
इसमें गटर्स बनाए जाते हैं और कंप्लीट करके सीधे गटर्स लॉन्च कर दिए जाएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा मेट्रो में जैसे गटर्स लॉन्च किए जाते हैं, वैसे ही जो है बुलेट ट्रेन में भी गटर्स बनाए जाने वाले हैं। तो आपको ये देख दिखाने के लिए स्पेशल आया था कि गटर्स यहाँ पर बनकर तैयार ही है। सामने वाले साइड पर आप देख पा रहे होंगे, गटर्स कितने बनकर तैयार रेडी है और बहुत हैवी गटर्स आते हैं, मतलब ब्लॉक बनाए गए हैं, ब्लॉक्स में उसको जोड़ जोड़ के फिर एक पिलर टू पिलर कंप्लीट किया जाएगा गटर। सामने वाली साइड पर आप देख ही पा रहे होंगे। सो गाइस फाइनली मैं कास्टिंग यार्ड में आ चुका हूँ, जो 53 नेशनल हाईवे नंबर के पीछे वाली साइड में जो गटर्स बनाए जा रहे हैं कास्टिंग यार्ड में, मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर बैक साइड पर आप देख रहे हो कितने यहाँ पर गटर्स बनाए जा रहे हैं, पूरे ये सारे यहाँ पर गटर्स बनाए जा रहे हैं। पिलर सारे रेडी है, यहाँ पर जो है ना गटर्स बनाए जा रहे हैं। सामने वाली साइड पर आप देख पा रहे होंगे ये वाले, तो ये सारे गटर्स बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर कंप्लीट है बहुत सारे गटर्स, लेकिन जो है ना बहुत लंबा रूट है इसके लिए बहुत सारे गटर्स बनाकर कंप्लीट रख रहे हैं। और उस वाली साइड में जैसे कि स्टार्ट में मैंने आपको बताया, वहाँ पर जो है ना गटर लॉन्चिंग मशीन भी आ चुकी है। तो गाइस फाइनली इतना वर्क मैंने आज आपको बता दिया है, वक्ताना गांव से नेशनल हाईवे नंबर 53 तक का पूरा अपडेट मैंने आज आपको बता दिया है। सो गाइस फाइनली वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, और आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो भाई नीचे का लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हाँ अपने दोस्तों को सोशल मीडिया पर शेयर जरूर कर देना कि आपको ग्राउंड जीरो से अपडेट मिलती ही रहेगी बुलेट ट्रेन मुंबई दिल्ली मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।